का हाईएस्ट लेवल था 683.80, वो टूटता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम तो इतना खास नहीं, लेकिन फिलहाल प्राइस आपको मूव करता हुआ दिखेगा कल के हाईएस्ट लेवल्स पर। इस पर कुछ ऑप्शंस अगर आप पकड़ें तो जी हाँ शैल जी, सुबह सुबह सीएनबीसी आवाज़ पे हमने आज पहला सौदा में इसकी 680 की कॉल पकड़ी थी। अब स्लाइटली आउट ऑफ मनी जाना पड़ेगा क्योंकि अब ये कुछ ही देर पहले अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया। आशीष, ये आपका ट्रेड भी था और बहुत अच्छा करता हुआ। एक बार 700 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे, जरा 700 की कॉल के प्रीमियम को एनालाइज करते हैं। मोमेंटम है और क्योंकि इसने आप समझ लीजिए कि 1 सितंबर और 8 सितंबर के बीच के कंसोलिडेशन के बीच में वो स्ट्रेंथ एक्वायर कर ली है कि शायद ये 700 के जोन को पार कर जाए। आपसे आस्किंग प्राइस है करीब 1240 का, यो चेक ऑन आई मीन 700 की कॉल। क्या कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? बिल्कुल पॉजिटिवली अप्रोच करूंगा ब्रेन, जैसे हमने कहा 700 रुपए के लक्ष्य तो ट्रेडिंग के हिसाब से दिए, बट जिस तरह के लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट भारती में हुए इसमें एक बड़े अपसाइड की गुंजाइश बनती है। तो सबसे पहले इसको ट्रेडिंग के लिए आज से 700 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन पर ध्यान देना चाहिए। 12.50 रुपए पे इस समय ट्रेड कर रही है, इसके ऊपर खरीदारी की राय रहेगी। 9 रुपए का यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और ऊपर में मेरा मानना है 19 से 20 रुपए तक के अपसाइड आपको 700 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ जाएंगे। जहां तक के टेक्निकल सेटअप की जैसे हमने बात की, एक फ्लैग का ब्रेकआउट नया हुआ है तो यहाँ पर 700 के ट्रेडिंग के लक्ष्य और थोड़ा पोजिशनली जाए तो 730-740 की अपसाइड भारतीय एयरटेल के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। चलिए भारतीय एयरटेल में आप देखें तो आपको अच्छा व्यू नजर आता है। 683.40 पे याद रखिएगा ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जोन पे है, 683.45 रुपए। और स्टॉक्स को